मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को रायपुर लौट आए। माना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। उन्होंने समृद्ध और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में हमें पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश के 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 25 दिसंबर को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल देश की राजधानी दिल्ली में हम और हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी के साथ सभी वरिष्ठों के साथ सौजन्य मुलाकात हुई है। आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, उपराष्ट्रपति माननीय श्री धनखड़ जी से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृहमंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से, रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से सबसे एक ही दिन में मुलाकात हुई है। और ये सौजन्य मुलाकात थी शपथ ग्रहण के बाद ये पहला हम लोगों का दिल्ली दौरा था, तो सभी लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं और एक समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है।